رضی اللہ مولانا مقصود علی خان صاحب کی تشریف لا چکے ہیں. ان کے استقبال کرنے والے تکبیر میدان میں نکلے ہیں باطل کے محلوں کو ہم ڈھانے نکلے ہیں. ہمت ہے ہمیں تم کو تب ہے تو دلوں کو ہمت ہے ہمیں تم کو تب ہے تو مناتا ہے الحمدللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے. میلاد نبی کرنا یہ خون میں شامل ہے. اس مشن کی خاطر ہم وسلم عليك يا حبيب الله.
मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, समझू मत बोलो मरहबा, सुन्नी कर बोलो मरहबा, अदुला कर बोलो मरहबा, लेना कर बोलो मरहबा, शर्मा ना छोड़ो मरहबा, समझू मत बोलो मरहबा, जरा ऊंचा बोलो मरहबा, और ऊंचा बोलो मरहबा, और ऊंचा बोलो मरहबा, धीरे बोलो और धीरे बोलो, धीरे बोलो और धीरे बोलो मरहबा, चिल्ला कर बोलो मरहबा या मुस्तफा, 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 गुल मुस्कुराते अगर बाग हंसी कवाली न होता, नकलियाँ खिलती न गुल मुस्कुराते अगर बाग हंसी कवाली न होता, नकलियाँ खिलती न गुल मुस्कुराते अगर बाग हंसी कवाली न होता, ये सब है मेरे प्यारे आका का सदका, बोलो ये सब है मेरे प्यारे आका का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, कीदे की बात सबका कीदा है, मोहम्मद ना होते तो ये सब है मेरे प्यारे आका का सदका, ये सब है मेरे प्यारे आका का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, जमीन आसमां चांद तारे न होते ये दुनिया के रंगी नजारे न होते, न गुल चटचते न गुल मुस्कुराते न पंछी बहे दगते नगमे सुनाते, न गुलशन में आते ये रंगी बहारे, न गुलशन में आते ये रंगी बहारे, बरसती न रहमत फिर में जिन फुहारे, बरसती न रहमत फिर में जिन फुहारे, फूलों में ये रंगे जमाली न होता, फूलों में ये रंगे जमाली न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, सबको शामिल होना इंशाल्लाह, भोजो न दे तो कुछ न था, भोजो न हो तो कुछ न हो, कहते सुभान अल्लाह, भोजो न दे तो कुछ न था, भोजो न हो तो कुछ न हो, जाने गए वो जहान की, बोलो जाने गए वो जहान की, जाने गए तो जहान है जमीनो समा तुम्हारे लिए, पूरे मजमे को कहना है तुम्हारे लिए, क्या कहना है, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दागन में समा तुम्हारे लिए,
शमसो कमर, ये शामो सहस, ये फरगो सजस, ये फागो समर, ये सैगो सिपस, ये साजो कमर, ये हुक्मे रावा तुम्हारे लिए जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुलन, सजाए मिलन थे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए चीरी जिया छुपे हूँ मैं खुद को पहन लिया गए हूँ मैं दिल को असली किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए ये ताबो तवा तुम्हारे लिए ये ताबो तवा तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनों पलक समको समस ऐसी का निशान तुम्हारे लिए सब वो चले ते बागे फले वो फूल खिले ये दिल हो भले लेवा के कले सना में खुले रजा की जबा तुम्हारे लिए ये सब है मेरे प्यारे आका सदका मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को बदल कर लो किसी के हाथ नीचे ना रहे मिलकर कहे ये सब है मेरे प्यारे आका कसदे का मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता ये सब है मेरे प्यारे आका कसदे का मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता गिराते जाएंगे और आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रजा एकेडमी भिवंडी और जुलूस ईद मिलादुल नबी ट्रस्ट के जेर इहतमाम ये 13वां जुलूस है इस जुलूस को बानी रजा एकेडमी मुंबई अलहाज सईद नूरी साहब की ख्वाहिश और उनका हुक्म था कि इस जुलूस को जुलूस मीराद ताजदार खत्म नबूवत के नाम से मौसूम किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इन साल रजा एकेडमी भिवंडी की जानिब से ये जुलूस मीराद ताजदार खत्म नबूवत के नाम से मौसूम किया गया है ताकि इस जुलूस से ये पैगाम मिले कि हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है मेरे आका ने फरमाया आना खातिमुन नबीयीन ला नबी बादी कि मैं आखिरी नबी हूँ अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा सरकार के बाद कोई नबी जलवागर नहीं होंगे कोई रसूल नहीं आएंगे कोई पैगंबर नहीं आएंगे अजीजान मिल्लत इस्लामिया अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 से 3 लाख ये जम्मे गफीर जो जुलूस में शरीक होता है हम तमाम शुरकाए जुलूस के तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं कि उन्होंने जुलूस ईद मिलादुल नबी के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और इस जुलूस में जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है खास करके पुलिस डिपार्टमेंट जनाब हमारे शहर के डीसीपी साहब डीसीपी मनोज पाटिल साहब हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे शहर के दोनों एसीपी साहिबान और निज़ाम और कुमारवाला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज जनाब कक्के साहब और निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने भी काफ़ी सहयोग किया और काफ़ी ताउन रहा और इसी डिसिप्लिन कायम रहा और ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों उन्होंने ट्रैफिक का भी बंदोबस्त काफ़ी अच्छी तरीके से किया था इन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और जिन लोगों ने भी इसमें ताउन किया जुलूस में हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए अजीजा ने गिरामी ये जुलूस 13वां जुलूस है
और ये जुलूस में इससे पहले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा होता था। यहाँ पर स्टेज और ये लाइट और दूसरे जो खर्चे हैं वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी तरफ से की करती थी, लेकिन पिछले साल यहाँ पर उलमाए किराम ने ये ऐलान किया था कि आइंदा से अगले साल हम म्यूनिसिपलिटी का पैसा और कोई भी चीज नहीं लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर ये कायम रहे। रजा एकेडमी भिवंडी के सदर जनाब शकील रजा साहब ने राइटिंग में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर को एक लेटर भी दिया और कहा कि हमको जुलूस ईद मिलादुन नबी के लिए म्यूनिसिपलिटी का कोई फंड नहीं चाहिए, म्यूनिसिपलिटी का कोई पैसा नहीं चाहिए, म्यूनिसिपलिटी का कोई कॉर्पोरेशन नहीं चाहिए। हम नबी के गुलाम हैं और हम गुलाम अपने नबी का जुलूस निकाल देंगे। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन साल जिस तरह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से हमको बेनियाज कर दिया है, इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला असबाब पैदा करवा दे कि हम अपने बल पर जुलूस निकालें। इस दफा काफी परेशानी हुई हमारे शकील भाई, अल्लाह ताला उनको जजाए खैर अता फरमाए कि इन्होंने 12 साल जो मेहनत की जुलूस ईद मिलाद का परमिशन हासिल करने के लिए, और जब भी नबी का जुलूस आता है तो हमने शकील भाई को देखा है कि रातों की नींद उनकी उड़ जाती है और दिन का आराम सबको टच करके बिल्कुल जुलूस ईद मिलाद की तैयारी में लग जाते। अरे एक वाकया याद आया, बता देता हूँ। जब ये 2006 उससे पहले की भी बात है, जब जुलूस नहीं निकलता था, शकील भाई हर साल मंत्रालय जाते थे, लेटर लेने जाते थे और सियासी लीडरान के पास जाते थे कि जुलूस का परमिशन मिल जाए, जुलूस का परमिशन मिल जाए, लेकिन हर साल मायूस होते थे, कोई परमिशन नहीं मिलता था। अजीजाने गिरामी, आखिरी आखिरी वक्त में हाल ये हुआ कि जुलूस की फाइल के लिए जेरोक्स कराना था और जेरोक्स कराने के लिए शकील भाई के पास पैसे भी नहीं थे, सिर्फ इतने पैसे थे, कुछ पैसे थे। घर से फोन आया कि बच्ची की तबीयत खराब है। अब इतने पैसे थे कि या तो बच्ची की दवा ले या जुलूस की फाइल जेरोक्स करा के मंत्रालय पहुंचाए। तो शकील भाई ने, अल्लाह इनको सलामत रखे, शकील भाई ने बच्ची की दवा नहीं ली, वो दवा के पैसे जुलूस की फाइल के जेरोक्स कराने के लिए लगा दिए और फिर उसके बाद वो जुलूस की फाइल मंत्रालय पहुंचाए हैं। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी करम फरमाया और शकील रजा साहब के नाम पर जुलूस ए मीलादुन नबी का परमिशन इशू हुआ। देखा है इनकी एक तलब थी, एक बेचैनी थी कि हर मजहब वाले जुलूस निकालते हैं। अंबेडकर जयंती पर जुलूस निकलता है, शिव जयंती पर जुलूस निकलता है, दूसरे मजहब वाले निकालते हैं तो हम क्यों बैठे हुए हैं या हुकूमत हमारे साथ सौतेला सुलूक क्यों करती है? ये लड़ते रहे हुकूमत से, सियासी लीडरान से लड़ते रहे, हाई कोर्ट तक चले गए और 12वें साल हुकूमत महाराष्ट्र ने इनको परमिशन दिया। बहरहाल और ये तो परमिशन के हुसूल का था, लेकिन अभी जुलूस की तैयारी में भी तकरीबन 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं इस तरह से कलेक्शन करने के लिए। हाल ये है कि अगर किसी के पास जाते हैं तो इस दफा तो बहुत मायूसी हुई, बहुत मायूसी हुई। क्या लोगों के पास गए, फोन लगाते हैं तो फोन नहीं उठाते। हाल ये होता है कि फोन बजते रहता, फोन नहीं उठाते, रखा है फोन नहीं रिसीव करेंगे। ये हाल है कि कोई मीलादुन नबी के लिए पैसे जेब से नहीं निकल रहे हैं, आज सियासी लीडरान के जेब से मीलादुन नबी मनाने के लिए पैसे नहीं निकल रहे हैं। एक रख दो, कबड्डी का टूर्नामेंट, क्रिकेट का टूर्नामेंट तो बढ़ेंगे, आगे आएंगे कि मेरी तरफ से बाइक ले लो, मेरी तरफ से ये ले लो, मेरी तरफ से वो ले लो। वो सियासी लीडरान कबड्डी में तो जरूर बाइक दे देते हैं, वो सियासी लीडरान टूर्नामेंट में तो जरूर इस तरह के लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि जब शकील भाई मीलादुन नबी के हवाले से उन्हीं सियासी लीडरान के पास जाते हैं तो वो सियासी लीडरान कुछ भी नहीं देते। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से हमको म्यूनिसिपलिटी के फंड से भी बेनियाज कर दिया है, उसी तरह से अब आज के बाद सियासी लीडरान के फंड से भी बेनियाज कर दे। अल्लाह तबारक व तआला गैब से असबाब पैदा फरमा दे कि हम अपने बल पर जुलूस ए मीलादुन नबी निकालेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल
सभी की मैं नहीं बात करता हूं, लेकिन कुछ लोग हैं अल्लाह उनको जजाए खैर अता फरमाए कि उन लोगों का ताउन बहुत अच्छा रहता है। जनाब तारिक फारूकी साहब यहां पे तशरीफ फरमा है, शुजाउद्दीन भाई तशरीफ फरमा है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर खालिद गुड्डू साहब हैं, अनिल गायकवाड़ हैं, इरफान बिल्डर हैं, सुरेश कौरे हैं, मुख्तार मोहम्मद अली खान हैं। इन लोगों का ताउन जुलूस में काफ़ी रहा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों ने भी जुलूस में दामे तिरमे कदम सुखन हिस्सा लिया है सबको अल्लाह तबारक व तआला जजाए खैर अता फरमाए और तारा इनकी निमती अता फरमाए, रिस्क में बरकत अता फरमाए। अब उसके बाद आली जनाब शकील रजा साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और रस्म शुक्रिया अदा कर लें। गुलपोशी की रस्म अदा होगी, फिर कायदे जुलूस की दुआ होगी। कायदे जुलूस की गुलपोशी करने के लिए सबसे पहले उलमाए किराम आगे आएंगे और वो गुलपोशी करेंगे। हमारे शहर के मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर अशरफी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और कायदे जुलूस की गुलपोशी करें। मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब गुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना गुलाम चिश्ती साहब गुलपोशी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न मिलादुन नबी। उलमाए किराम से गुजारिश है कि वो पहले गुलपोशी कर लें, फिर उसके बाद दूसरे मेहमान। हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद वजीर आलम वो गुलपोशी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। और उसके बाद मुबल्लिग दावत इस्लामी जनाब शकील अत्तारी साहब गुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अब उसके बाद भिवंडी शहर एनसीपी पार्टी के सदर खालिद गुड्डू साहब से गुजारिश है कि वो आए और कायदे जुलूस की गुलपोशी करें। खालिद गुड्डू साहब इनका भी कॉपरेशन जुलूस में काफी रहता है, ये गुलपोशी करने कायदे जुलूस की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जनाब तारिक फारूकी साहब से गुजारिश है कि वो आए और कायदे जुलूस की गुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जनाब शुजाउद्दीन भाई वो आए और कायदे जुलूस की गुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसके बाद एडवोकेट यासीन मोमिन साहब, गोपाल सिंह ठाकुर, अब्दुल लतीफ बाबा से गुजारिश है कि वो आए और कायदे जुलूस की गुलपोशी करें। अब्दुल लतीफ बाबा वो कायदे जुलूस की गुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। और उसके बाद मुख्तार मोहम्मद अली खान साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए क्योंकि कॉरपोरेटर हैं और जुलूस पे ताउन भी अच्छा रहता है। एक से मेरे मोहम्मद अली खान साहब के साहबजादे हैं, मुख्तार मोहम्मद अली खान साहब कायदे जुलूस की गुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब उसके बाद अनिल गायकवाड़ साहब से गुजारिश की वो आए, साबिक एमपी सुरेश कौरे साहब, प्रोफेसर कामले साहब अगर तशरीफ रखें। आमिर फारूकी साहब से गुजारिश है कि वो आए और जिन्होंने यहाँ पर वजू का इंतजाम अच्छा किया है और ये पूरे संभालते ग्राउंड, और मुबारक हुसैन चौधरी साहब से गुजारिश है कि वो भी आए, वो और उनके रोफका काफ़ी यहाँ पर ग्राउंड पर करते रहे काम वजू के लिए। नारे तकबीर, आमिर फारूकी साहब कायदे जुलूस की गुलपोशी करें। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मुबारक हुसैन चौधरी साहब से गुजारिश है कि वो आए और कायदे जुलूस की गुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला हमीद शेख को भी जजाए खैर अता फरमाए।
अमित शेख से गुजारिश है कि वो आए और कायदे जुलूस की बुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अंजुमन रजा जो कमेटी के हैं वो लोग आए और बुलपोशी करते कायदे जुलूस की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चौहान कॉलोनी अंजुमन रजा की जानिब से भी कायदे जुलूस का इस्तेमाल किया जा रहा है। फुरखान रजा से गुजारिश है कि वो आए कायदे जुलूस की बुलपोशी करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अपने गुरु बाड़े जितने से जल्दी ले आ जाओ और जल्दी ले वो तो कोशिश कर लीजिए ताकि अजान से पहले जो है दुआ हो जाए। जल्दी सी की खार लेके आ जाओ गुरु बाड़े। और नसीर भाई सुसेना के वो उनको भी अपना नाम आया हुआ है वो भी आ जाए। बीजेपी के है नसीर भाई, कहाँ है? आ जाओ भैया, जल्दी ले आ जाओ, दुआ करना है। बस अब दुआ होने जा रही है। हाँ चलो भाई, तुम हाँ बनाते हो या दुआ करते नहीं? अच्छा आप कह के ये तो बहुत पुराने आदमी है। चौहान कॉलोनी के जो कमेटी हैं अंजुमन रजा की नामी से मोहम्मद जावेद भाई की ख्वाहिश है कि शकील रजा साहब की गुलपोशी करें। शकील भाई, शकील रजा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे आप लोग अभी ये बात में कर लीजिए, अभी दुआ का वक्त असल में अजान का टाइम होने जा रहा है भाई। नहीं मैं तो अपने गुरु वाले से बोलूंगा, क्या कीजिए, ये क्या कर रहे हैं अपने गुरु वाले? हट जाओ यहाँ से, अरे हट जाओ, सब मेहमान खुशी पर निकल आ रहे हैं सर, हट जाओ यहाँ से। अजान हो रही है उसके बाद दुआ हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ से पेशतर मोहतरम शेर भिवंडी शकील रजा साहब और इनके साथ शकील रजा और रजा एकेडमी और जुलूस ए मिलादुन नबी के तमाम अरकान, चाहे वो सियासी हो, चाहे मजहबी हो, चाहे उलमा हो और चाहे आप सब आवाम, आप सबको मुबारकबाद। नबी की मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आज भिवंडी का 13 साल ये हो रहे हैं और दुआ यही है कि जब तक आसमान पर चांद सितारे चमकते रहें, हमारी आपकी आने वाली नस्लें भी जुलूस से मिलादुन नबी निकालती रहे। और आप जरा देखो तो अपने नबी को कि सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आपने किसी ने देखा? तारिक भाई ने देखा, खालिद गुड्डू ने देखा, ये हमारे मोहम्मद अली साहब के बच्चों ने देखा। मैं 65 साल का हो रहा हूं, मैंने भाग के देख लिया होगा, सुभान अल्लाह। अरे नहीं देखा तो ये हाल है, कह दो सुभान अल्लाह। नहीं देखा तो ये हाल है। तो अगर हम बेदेखे यहाँ याद कर रहे हैं तो मैदाने महशर में नबी भी याद करेंगे। इमाम अहमद रजा ने जब ही तो कहा कि अल्लाह अकबर, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। शकील रजा को मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह इतने मजमुआ की तरह इन्होंने हिंदू मुस्लिम सबको मिलाकर यकजहती के साथ और मिलादुन नबी के इस मनसब के ऊपर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हर कमेटी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस एसीपी हो, चाहे कोई और कमेटी हो, सबको बुला के इन्होंने यही बता दिया कि मोहम्मद तो सबके हैं, जिसका जिक्र है सुभान अल्लाह वो सबके हैं और कल भी थे, आज भी हैं, सुबह कयामत तक रहेंगे। मिलाद करते रहो, ये मिलाद करना कल भी जायज था, आज भी जायज, सुबह कयामत तक जायज। और आप लोगों की ये तड़प देखकर ऐसा लगा कि सुभान अल्लाह, कुरूने उला के मुसलमान याद आ गए।
तो कैफियत है आप लोगों की सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इस बेगरीबान शाह की भिवंडी और ये हिंदुस्तान तो हमारे और आपके खाजा का हिंदुस्तान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मूसा कलीम को एक टूर पर गए, अल्लाह ने कहा जाओ, वो एक आदमी इंतकाल कर गया है, गांव वालों ने पूरे लोगों ने उसको उठा के कचरे पर फेंक दिया, जाओ उसको नहलाओ धुलाओ, उस जमाने में जो कफन दफन होता था वो करो। मूसा कलीम ने सवाल नहीं किया, चले गए, नहलाया धुलाया कफन दफन किया, फिर पहुंचे कोई दूर पर, आए अल्लाह तूने मुझे कहा, इतना बड़ा गुनाहगार पापी के सारे गुनाहगार सारे गांव वालों ने उसे उठा के कचरे में फेंक दिया और तूने मुझसे कहा कि मैं नहलाऊं धुलाऊं, क्या बात है। अल्लाह ने फरमाया है मूसा तुम्हारा बंदा तुम्हारा उम्मती और मेरा बंदा एक दिन गुजर रहा था, बड़ा गुनाहगार था, लेकिन तौरात का एक पर्चा पड़ा हुआ था जिस पर मेरे आखिरी नबी मोहम्मद का नाम लिखा था, उसने वो पर्चा उठाकर चूम कर दीवार में रख दिया, उसने मेरे नबी के नाम को चूमा, मेरी रहमत ने उसके गुनाहों की मगफरत फरमा दी। तुमने नहलाया तो आप गौर फरमाए, हम जिस नबी का मीलाद मना रहे हैं सुभान अल्लाह उसका नाम चूम लिया तो मगफरत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो का जिक्र कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, अल्लाह इसे कामयाब करे, सबको कामयाब करे। बस आइए हम और आप दुआओं के लिए हाथ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद माअदरी जूदी वल करम व अला आलिल किराम व इब्निल गौसिल आजम। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्ला अलैहि वसल्लम नानो इबाद मुहम्मद सल्ला अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि व सादिहि अबद दूर व करम मौला या सल्ले व सल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना व ग़फिर लना मा मज़ा या वासिअल करम मौला या सल्ले व सल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला हम गुलामों का रज़ा अकादमी और जुलूस से मिलादुन नबी भिवंडी के तमाम ये बुजुर्ग नौजवान बच्चों का सबकी तरफ से ये जुलूस मिलादुन नबी कबूल फरमा ले। मौला जिस जिसने ताउन किया, जैसे जैसे ताउन किया, मौला सबका ताउन करना कबूल फरमा ले। मेरे भिवंडी हमारे शकील रदा साहब, मौलाना शकील रदा और तमाम रजा अकादमी के तमाम अराकीन, सुभान अल्लाह हम नबी की नबूवत को मानते थे और जैसा रजा अकादमी के सरबराह हाज मोहम्मद सईद नूरी ने कहा कि ये साल हम खत्म नबूवत का मनाते थे और इंशाअल्लाह इस साल मनाते रहेंगे, और ये साल इमाम अहमद रजा के 100 साल उर्स का भी साल है, इसलिए ये खत्म नबूवत का भी साल है, और उसी के साथ जिसने खत्म नबूवत बताया उस इमाम अहमद रजा के 100 साल उर्स का भी है। मौला उसकी बरकतें अता फरमा। इस दीवान शाह के इस भिवंडी में और पूरे मुल्क में जो खाजा का हिंदुस्तान है मौला, तमाम रहने वाले हिंदू मुसलमान जितने हैं सबको अमन शांति अता फरमा, हम सबको बरकतें अता फरमा, जमीन व आसमान की बलाओं से अरशी फरशी बीमारियों से हिफाजत फरमा, और मौला फिर आइंदा साल हम सबको हम सबके अहल व याल को खैर व आफियत सेहत व सलामती ईमान के साथ शबे नूर और यौम मीलादुन नबी अता फरमा। जुलूस मीलादुन नबी में खैर व आफियत के साथ बार बार जिस्म और रूह के साथ शिरकत की तौफीक अता फरमा, और जब ईमान के साथ मौत का जायका चखे तो जमीन के नीचे जाने के बाद भी सुभान अल्लाह नबी के मीलाद की बरकतें मिले, और मैदान महशर में उठे तो भी नबी के मीलाद की बरकतें उनकी जन्नत तक मिलती रहे। मौला मैं क्या कहूँ, यता हो यता हो यता हो, ऐसी यता हो कि जिससे हम सब के घर भर का हमेशा हमें भला हो, मोहताज न कर किसी का जमाने में, कमी क्या है मौला तेरे खजाने में, तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देता,
तू जिसको बनाता है बिगड़ने नहीं देता, या इलाही हर जगह तेरी अदा का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल खुशा का साथ हो, या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें उसियों के लब्बे आमीन रब्बना का साथ हो, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آل الكرام وابنه الغوث العظم العين أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله कोटर गेट से शुरू हुआ और मामू भांजा की मस्जिद के पास खत्म हुआ। आइए खड़े होकर नबी की बारगाह दर्द दिल नाम लेने से होता है कम इसलिए नाम आका का लेते हैं हमें छोब कर लिख रहा है रजा का कलम शहर यारी इरम ताजदारे हरम नवहारे शफाअत बिला पैदा हुए
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار ويا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى عيد ميلاد مبارك اور مجھ سے مصافحہ کرنے کی بات نہیں میں تو خود رسول کا امتی اور غلام ہوں ہے نا آپس میں آپ ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے جائیے یہ ہزاروں کا مجمع سبحان اللہ سنی سے مصافحہ کرتا ہے تو بھی برکت ملتی ہے نا تو خالی میں ہی نہیں سبحان اللہ ہم اور آپ سب نبی کے عاشق ہیں آپس میں مصافحہ کریے اور خیریت سے اپنے گھر تشریف لے جائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن منانا گج بج کے اسا جشن منانا گج بج کے آ گئے دن میلاد نبی دے آ گئے دن میلاد نبی دے سج گئے گلیاں بازار اج اسا جشن منانا گج بج کے اسا جشن منانا گج بج کے مک گئے نے دکھ دنیا تو آئے دکھیاں دے غم خار اج اسا جشن منانا گج بج کے آ گئے دن میلاد نبی دے آ گئے دن میلاد نبی دے سج گئے گلیاں بازار اج اسا جشن منانا گج بج کے اسا جشن منانا گج بج کے ہو گئے دور ہنیرے جگ تو ہر تھا ہو سویرے ساری دنیا روشن ہو گئی لائے نور نے ڈیرے لائے نور نے ڈیرے ڈب دے ہوئے بیڑے قسمت دے رب کی تن پار اج اسا جشن منانا گج بج کے آ گئے دن میلاد نبی دے آ گئے دن میلاد نبی دے سج گئے گلیاں بازار اج اسا جشن منانا گج بج کے اسا جشن منانا گج بج کے رحمت دا چن چڑھیا چمکے نے کرم دے تارے رنگ خوشیاں دے ولڈن لگ پے سارے مست نظارے سارے مست نظارے شکر دے سجدے وچ پے گئے نے گلشن سے گلزار اج اسا جشن منانا گج بج کے آ گئے دن میلاد نبی دے آ گئے دن میلاد نبی دے سج گئے گلیاں بازار اج اسا جشن منانا گج بج کے اسا جشن منانا گج بج کے گونجے عرش فرش اوتے آپ دا نام نامی آمینہ پاک دے گھر وچ آیا پورا دین سلامی پورا دین سلامی جاگے وقت غریباں دے آئے نبیاں دے سردار اج اسا جشن منانا گج بج کے آ گئے دن
دن میلاد نبی دے آ گئے دن میلاد نبی دے سج گئے گلیاں بازار اج اسا جشن منانا گج بج کے اسا جشن منانا گج بج کے خالی دامن رب دی رحمت دے نال پر شکر بھی کرنا چاہیے شکر بھی کرنا چاہیے اس تو بڑی نعمت کوئی نہیں آ گئے نے سرکار اج اسا جشن منانا گج بج کے آ گئے دن میلاد نبی دے آ گئے دن میلاد نبی دے سج گئے گلیاں بازار اج اسا جشن منانا گج بج کے اسا جشن منانا گج بج کے ایسے عید دا صدقہ ملیاں ساریاں عید جشن منانا گج بج کے آ گئے دن میلاد نبی دے آ گئے دن میلاد نبی دے سج گئے گلیاں بازار اج اسا جشن منانا گج بج کے 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 اج اسا جشن منانا گج بج کے اسا جشن منانا گج بج کے آ گئے دن میلاد نبی دے آ گئے دن میلاد نبی دے سج گئے گلیاں بازار اج اسا جشن منانا گج بج کے اسا جشن منانا گج بج کے مٹ گئے نے دکھ دنیا تو آئے دکھیاں دے غم خار اج اسا جشن منانا گج بج کے آ گئے دن میلاد نبی دے آ گئے دن میلاد نبی دے سج گئے گلیاں بازار اج اسا جشن منانا گج بج کے اسا جشن منانا گج بج کے ہو گئے دور ہنیرے جگ تو ہر تھا ہوئے سویرے ساری دنیا روشن ہو گئی لائے نور نے ڈیرے لائے نور نے ڈیرے ڈب دے ہوئے بیڑے قسمت دے رب کی تن پار اج اسا جشن منانا گج بج کے آ گئے دن میلاد نبی دے آ گئے دن میلاد نبی دے سج گئے گلیاں بازار اج اسا جشن منانا گج بج کے اسا جشن منانا گج بج کے رحمت دا چن چڑھیا تے چمکے نے کرم دے تارے رنگ خوشیاں دے بلدن لگ پے
مست نظارے سارے مست نظارے شکر دے سجدے وچ پے گئے نے گلشن تے گلزار اج اساں جشن منانا بج بج کے آ گئے دن میلاد نبی دے آ گئے دن میلاد نبی دے سج گئے گلیاں بازار اج اساں جشن منانا بج بج کے اساں جشن منانا بج بج کے گونجے عرشا فرشا یوتے آپ دا نام نامی آمینہ پاک دے گھر وچ آیا پورا دین سلامی پورا دین سلامی جاگے وقت غریباں دے آئے نبیاں دے سردار اج اساں جشن منانا بج بج کے آ گئے دن میلاد نبی دے آ گئے دن میلاد نبی دے سج گئے گلیاں بازار اج اساں جشن منانا بج بج کے اساں جشن منانا بج بج کے خالی دامن رب دی رحمت دے نال پرنا چاہی دے رب جے نعمت دے وے تے پھر شکر بھی کرنا چاہی دے شکر بھی کرنا چاہی دے اس تو بڑی نعمت کوئی نہیں آ گئے نے سرکار اج اساں جشن منانا بج بج کے آ گئے دن میلاد نبی دے آ گئے دن میلاد نبی دے سج گئے گلیاں بازار اج اساں جشن منانا بج بج کے اساں جشن منانا بج بج کے ایسے عید دا صدقہ ملیاں ساریاں عیداں سانوں آقا آئے تے فاروقی چینایا دکھیاں نوں چینایا دکھیاں نوں سونے سونے کپڑے پا کے ہو جاؤ تیار اج اساں جشن منانا بج بج کے